हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम कराया गया था 2015 में, उस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर का आज हम पार्ट टू करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के कम्प्लीट वीडियोज़, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिविल से संबंधित आपके जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट आते हैं, उन सभी को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। द फ्रेश सीवेज इज जनरली इन नेचर। पूछा है आपका जो ताज़ा सीवेज होता है वो सामान्यतः किस प्रकृति का होता है। ऑप्शन भी आपको दिए हैं, एसिडिक यानी अम्लीय होता है, एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, या फिर एसिडिक और न्यूट्रल अम्लीय भी हो सकता है या उदासीन भी हो सकता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपका जो ताज़ा सीवेज होता है उसकी प्रकृति होती है एल्कलाइन यानी क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है, उत्तराखंड AE, यूपी जल निगम JE, AAI, UKPSC, AE और SSC आदि एग्जामों में। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, आपको कुछ नीचे ऑप्शन दिए हैं और पूछा है, इनमें किससे कम नहीं होनी चाहिए। 7.5 न्यूटन mm² से, या 9 न्यूटन mm² से, 10 न्यूटन mm² से, या फिर 12 न्यूटन mm² से। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है वो ठोस, अच्छी पकी हुई तथा मानक आकार की होनी चाहिए। इसका मानक आकार भी पूछा जाता है, तो कितना होता है, 19x9x9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका रंग विशेष लाल होता है, और इसका जो रंग है किसके कारण होता है, ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके किनारे स्पष्ट तथा सीधे होते हैं, दो ईंटों को आपस में टकराने पर साफ जो है धात्विक दहन यानी दो मेटल के लड़ने जैसी आवाज़ निकलनी चाहिए, और 24 घंटे तक पानी में भिगोने पर जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो ईंट अपने भार का 1/6 से अधिक पानी नहीं सोखनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, और इनका भार 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक होता है, और फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं ये सारे आपको याद रखने होंगे। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 10 न्यूटन mm². नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका UPPCL JEE का जो भी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, वहाँ भी पूछा गया था। इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सीवेज इज कॉल्ड। यानी आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसमें सीवेज से तेल तथा ग्रीस हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, स्कमिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चारों जो है इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं स्कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए कंस्ट्रक्शन इज। यानी कंस्ट्रक्शन का पहला चरण कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट यानी एस्टीमेट को तैयार करना। ऑप्शन बी है, सर्वे ऑफ द साइट यानी साइट का सर्वे करना, इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्ताव की शुरुआत करना, या अलॉटमेंट ऑफ फंड यानी धन का आवंटन करना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है प्रस्ताव की शुरुआत करना। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से, लोएस्ट इज ए सॉइल टाइप विच फॉल अंडर।
यानी लोयस एक मृदा का प्रकार है जो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्ले के अंदर, सिल्ट क्ले के अंदर, विंड बोर्न सॉइल के अंदर, या फिर मरीन सॉइल के अंदर? तो लोयस जो है ये आती है विंड बोर्न सॉइल के अंदर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सॉइल इंजीनियरिंग से है। मैग्नीट्यूड ऑफ केपलरी राइज इज मोर इन, यानी केशिका वृद्धि का परिणाम किस में अधिक होता है? सिल्ट में, सैंड में, क्ले में, या फिर ग्रेवेल्स में? केपलरी राइज का परिणाम जो है वो सबसे ज़्यादा मृतिका यानी क्ले में होता है। इसी वजह से ये गीली अवस्था में शीघ्र मुलायम तथा नमी समाप्त होते ही ये शीघ्र कठोर हो जाती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, क्ले। अगला क्वेश्चन भी आपका सॉइल इंजीनियरिंग से ही है। कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज एम्ड एट, यानी मिट्टी का जो हम कंपैक्शन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? डिक्रीजिंग ड्राई डेंसिटी, यानी जो सॉइल की ड्राई डेंसिटी होती है उसे डिक्रीज करना, या इंक्रीजिंग पोरोसिटी, पोरोसिटी को इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग वॉइड रेशियो, सॉइल में जो भी रिक्तता अनुपात होता है उसे कम करना, या डिक्रीजिंग सीयर स्ट्रेंथ, सॉइल की सीयर स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। मिट्टी का जो हम कंपैक्शन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है वॉइड रेशियो को डिक्रीज करना। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। इन सर्वेइंग वर्क व्हाट इज द क्रॉस स्टाफ यूज्ड फॉर, यानी सर्वेइंग वर्क में क्रॉस स्टाफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल्स, सेटिंग आउट राइट एंगल्स के लिए, या बियरिंग ऑफ लाइंस को मापने के लिए, या फिर लेंथ को मापने के लिए? आपके सर्वेइंग वर्क में क्रॉस स्टाफ का जो प्रयोग है वो किया जाता है सेटिंग आउट राइट एंगल्स के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द पर कैपिटा वाटर कंजप्शन फॉर हॉस्पिटल, यानी अस्पताल के लिए प्रति व्यक्ति पानी की खपत कितनी होती है? अस्पताल के लिए प्रति व्यक्ति पानी की जो खपत है वो 100 बेड के लिए ली जाती है 340 लीटर। अगर 100 बेड से ज़्यादा हैं तो पानी की खपत जो है वो 450 लीटर प्रति बेड प्रतिदिन ली जाती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 340 से लेकर 450 LPCD, यानी लीटर पर कैपिटा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर, यानी सीवेज में जो है सबसे अधिकतम बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सीवेज में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करके सीवेज का जैविक उपचार तथा शुद्धिकरण करते हैं। वायुजीवी बैक्टीरिया जो वायु की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, और आपके जो अवायुजीवी जीवाणु होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में सीवेज का विघटन करते हैं, तथा अनाग्राही बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थित दोनों अवस्थाओं में कार्य करते हैं। सीवेज में मृत भक्षी जीवाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन द वॉटर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड, यानी भवन निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त जल में कार्बनिक ठोसों की अनुज्ञेय सीमा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर आपको ठोस का प्रकार दिया है और उनकी परमिसिबल लिमिट दे रखी है। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं 200 मिलीग्राम लीटर तक, अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल 3000 मिलीग्राम लीटर तक, सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर तक, क्लोराइड आपकी PCC के लिए 2000 मिलीग्राम लीटर तक, क्लोराइड RCC के लिए 500 मिलीग्राम लीटर तक, निलंबित पदार्थ यानी आपके जो सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं 2000 मिलीग्राम लीटर तक, और पानी का PH मान जो है
वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपका एग्ज़ाम कराया गया था 2015 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।